हाय एवरीवन, रेशो का जितना भी हमारा बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन है, फॉर्मूला क्रिएशन है, सब कंप्लीट हो गया. आज का जो हमारा सेशन है वो टोटली प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर रहेगा. देखते हैं पहले क्वेश्चन. पी क्यू एंड आर are three cities. If the ratio of average temperature of P and Q is 9:7 and that of Q:R is 8:11. What is the ratio of temperatures between P and R? ठीक है, देखिए जी, क्या मेंशन है हमें? P is to Q. कितना मेंशन कर रहा है? 9:7. ठीक है, Q is to R कितना मेंशन किया है? 8:11. आपको फाइंड आउट क्या करना है? P is to R. आप दो मेथड से कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी. एक तो कंटिन्यूड रेशियो फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा नॉर्मली जो दोनों में कॉमन वैल्यू है Q, उसको हम इवैल्यूएट कर देते हैं दोनों से, दोनों इक्वेशंस से. इधर से मैं Q को फाइंड आउट कर देती हूँ. Q इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 9Q इज 7P. तो Q मुझे कितना मिल रहा है? 7/9P. ठीक है, चलिए जी, इधर से आ गए, R को उधर ले गई मैं. कितना आ रहा है Q मेरे पास? 8/11 R. दोनों इक्वेशंस से मैं Q की वैल्यू को इक्वेट कर देती हूँ. बस देखिए, 7/9P इज इक्वल टू 8/11 R. R को ले आते हैं नीचे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई. P/R इज इक्वल टू 9×8, 11×7. ये हमारा आंसर हो गया P:R. ठीक, और एक क्वेश्चन देखते हैं. एजेस ऑफ टू पर्संस आर इन रेशियो 5:7. 18 years back their ages were in ratio. 18 years back their ages were in ratio 8:13. Find their present ages. Find their present ages. चलिए जी, रेशियो मेंशन है हमें. पहले क्या करेंगे? एक अननोन इंट्रोड्यूस करिए. लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी 5x and 7x. ठीक, 18 ईयर्स बैक मतलब 18 साल पहले की बात हो रही है. पहले मतलब माइनस किया आपने दोनों की एज में से. 18 ईयर्स बैक मीन्स 5x-18, 7x-18, और रेशियो मेंशन किया है तो डेफिनेटली अपॉन करेंगे. और जो रेशियो आपको गिवन है 18 ईयर्स बैक, उसको इक्वेट कर देंगे.
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 5 65x माइनस 18 × 13 इज इक्वल टू 56x माइनस 18 × 8। ये टर्म इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए, 65x माइनस 56x इज इक्वल टू, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं 18 कॉमन लेके सॉल्व करूँगी इसको ना, माइनस कर दीजिए, 4 और 5 हो गया 9x इज इक्वल टू 18 कॉमन 8 + 13। ये आपके कैलकुलेशन को भी थोड़ा कम कर देगा अगर आप सारे में मल्टीप्लिकेशन देंगे, 21, तो इट विल टेक मोर टाइम। वैसे तो आजकल कैलकुलेटर्स भी अलाउड हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है कैलकुलेशन में। एक्स इज 42, ये वैल्यू आप कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, 5x और 7x के अंदर प्रेजेंट एजेस के लिए, 5 × 42, आई थिंक देयर इज अ लिटिल मिस्टेक ना, ये वाला टर्म इज विद माइनस साइन, तो व्हाट वी गेट इज 13 - 8। तभी मुझे लग रहा था इतने बड़े बड़े लोग कैसे आ जाएंगे भाई, 18 × 5 दिस इज एंड दिस इज 10, नाउ दिस इज 5 × 10 50 और 7x 7 × 10 70। तो योर आंसर इज देयर प्रेजेंट एजेस आर 50 and 70। ठीक, क्रॉस चेक करना है तो 18 माइनस करके अगेन आप रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हो कि 8 to 13 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए और एक क्वेश्चन देखेंगे, रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन runs 400 kilometers in 5 hours, what is the speed of the first train? ठीक, देखिए पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, क्या मेंशन है हमें, रेशियो ऑफ स्पीड्स फर्स्ट इज टू सेकंड 7:8, और सेकंड वाले ट्रेन के लिए हमें क्या मेंशन किया है कि वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 आवर्स में, 400 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। इसकी स्पीड अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, डिस्टेंस इज 400 अपॉन टाइम इज 5, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई आपके पास सेकेंड वाले ट्रेन की, और फर्स्ट की आपको इवैल्यूएट करनी है, और दोनों का रेशियो हमारे पास मेंशन है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज 7:8, ये रेशियो मेंशन है, फर्स्ट का आपको नहीं पता है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बी एक्स किलोमीटर्स पर आवर। ठीक, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x इज इक्वल टू 7 × 80, x इज इक्वल टू 70 किलोमीटर्स पर आवर, वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करते तभी भी हो जाता, क्योंकि 80 अगर वो है और 7:8 का रेशियो है तो डेफिनेटली पहले वाले ट्रेन का स्पीड शुड बी 70 किलोमीटर्स पर आवर। और एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल टू 6, 7, 8. सिक्स सेवन एंड एट एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14. फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. ये आपके पास क्वेश्चन है. ठीक है, वापस से आपके पास रेशियो है तो अननोन इंट्रोड्यूस करिए. यहां पर ये मेंशन नहीं किया है कि एजेस का रेशियो है या स्पीड्स का रेशियो है, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ ये टर्म्स मेंशन किए हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए. आप सिर्फ क्या करेंगे, लेट ए प्लस बी इज 6x, बी प्लस सी इज 7x एंड सी प्लस ए इज 8x. अब आप क्या देख रहे हो कि आपको ए प्लस बी प्लस सी का एक रिलेशन मेंशन है, तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों इक्वेशंस को भी प्लस कर देते हैं. 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ सी. इस क्वेश्चन में हमारा पहला एम क्या रहेगा कि हमें ये जो अननोन इंट्रोड्यूस किया है हमने इसको इवैल्यूएट करना है. 8 और 7 15 और 6 21, 2 कॉमन, देन ए प्लस बी प्लस सी इज 21x. ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 14. एक्स इज 2 × 14 / 21, 7 × 2 = 4/3. अभी आपको क्या चाहिए, b. तो इस इक्वेशन में अगर मेरे पास a प्लस सी की वैल्यू होगी तो मैं b इवैल्यूएट कर सकती हूँ. हम क्या करते हैं, c प्लस a वाले इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. पुट वैल्यू ऑफ x इन c प्लस a, और c प्लस ए कितना है मेरे पास, 8x. ठीक है, 8 × 4/3, दिस इज 32/3 c प्लस ए. चलिए अब क्या करते हैं, हम ये वैल्यू जो a प्लस सी की आई है मेरे पास, इसको मैं यहां पे डाल देती हूँ. a प्लस बी प्लस सी इज 14 और a प्लस सी आया 32/3 प्लस बी इज इक्वल टू 14. 14 − 32/3 = 42 − 32/3 10/3. ये मिल गया मुझे b की वैल्यू. क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो. 32 + 10/3 करोगे तो 42/3 आएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी, दैट विल गिव यू 14. तो वो क्रॉस चेक भी हो जाएगा आपका आंसर कि कहीं गड़बड़ नहीं हुई है कैलकुलेशन में. और एक बस एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. इफ पी इज टू क्यू इज सब डुप्लीकेट ऑफ p minus x square is to q minus x square. What is the value of x square? What is the value of x square? चलिए आ जाइए, क्या कह रहे हैं, पीस टू क्यू है सब डुप्लीकेट उसका. मेंशन क्या किया है, पीस टू क्यू इज सब डुप्लीकेट ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, चलिए क्या हो गया ये पी बाई क्यू. सब डुप्लीकेट का मतलब क्या था हमारा, कि दोनों क्वांटिटीज के स्क्वायर रूट्स आएंगे हमारे पास. Now squaring both sides. Squaring both sides.
पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला टर्म लेफ्ट साइड पर ले आइए और नॉर्मल जो पी क्यू वाला टर्म है उसको राइट हैंड साइड पर ले जाइए दूसरे टर्म के साथ। ये इक्वेशन मिल गया, लेफ्ट साइड से एक्स स्क्वायर कॉमन आउट हो रहा है, कॉमन कर लीजिए। क्यू स्क्वायर पी माइनस पी स्क्वायर क्यू। क्या टर्म बन गया मेरे पास, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और राइट साइड से मुझे पी क्यू कॉमन मिल रहा है उसको मैं कॉमन कर रही हूँ। पी क्यू कॉमन लेके यहाँ से मेरे पास क्या टर्म बच रहा है, क्यू और यहाँ से पी, क्यू माइनस पी। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है ये हम सबको पता ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर, क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी, पी क्यू क्यू माइनस पी। नीचे लेकर जाते हैं, पी क्यू क्यू माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी पी प्लस क्यू, बैलेंस हो गया। क्या आंसर मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक, इसके साथ ही आपका रेशियो का जो कंप्लीट टॉपिक है वो आज फिनिश हो गया है। अब आप लोग क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए और जब चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।